पट्टाशिटी गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे से गूंज उठा। पांच दिवसीय गणेश उत्सव पूजा पंडाल में विधिवत पूजन के बाद भगवान गणेश की प्रतिमा का खुला पट, भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ लगाया जयकारा। पटना सिटी चौक स्थित श्री सनातन धर्म सभा भवन के प्रांगण में गणेश चतुर्थी का सप्तम महोत्सव मनाने को लेकर सज गया पूजा पंडाल और भक्तों की भीड़ भी पहुंचने लगी। मंडल के संस्थापक महासचिव विकास कुमार मौड़ीवाल ने कहा कि इस बार गणेश उत्सव 5 दिवस में मनाया जा रहा है, जो 19 सितंबर से 23 सितंबर तक संचालित होगा। वहीं श्री गणेश पुराण की कथा 3 दिनों तक संचालित होगी, जिसमें कथा के लिए मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सुश्री लीला भारती जी ने मखारविंद से होगी। वहीं 22 सितंबर शुक्रवार को विराट भजन संध्या का आयोजन किया गया है। वहीं पूजा पंडाल में भगवान गणेश की विशेष महाआरती की गई। इस महोत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा 251 किलो लड्डू का भोग, जो बप्पा को अर्पित किया गया, और पूजा पंडाल में गुफा बनाई गई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं पटना सिटी मंडल ने माँ गंगा की स्वच्छता एवं पवित्रता को ध्यान में रखकर भगवान गणेश की 8.5 फीट की प्रतिमा एवं उनके साथ और सभी प्रतिमाओं की भी प्राकृतिक कलर का उपयोग किया गया है। इस मौके पर मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, स्वागत अध्यक्ष शशि शेखर रस्तोगी, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद मोदी, सचिव डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, मार्गदर्शक अनंत अरोड़ा, सुजीत कसेरा, शिव प्रसाद मोदी, पप्पू मोदी सहित सभी मंडल के लोग उपस्थित हैं। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। आज श्री गणेश उत्सव पटना सिटी मंडल द्वारा सप्तम महोत्सव के पहला दिन राजाओं के राजा का आज पूजा अर्चना किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। शाम को ग्वालियर से जो कथा वाचिका आई है, मुख्य वक्ता है श्री गणेश पुराण कथा का लीला भारती जी, उनका प्रवचन संध्या 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। उसके उपरांत विशेष महाआरती का आयोजन किया गया है संध्या 9:30 बजे, रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक होता है, तो उसका भी आयोजन पंडाल परिसर में होना। और बाकी पूरे नगर के जो भी हमारे लोग हैं सभी इसमें आमंत्रित है, क्योंकि उनके बिना जो है हमारा महोत्सव अधूरा है। तो मैं आपके माध्यम से हम उन सभी का हम लोग आमंत्रित करते हैं, श्री गणेश उत्सव पटना सिटी मंडल सभी का आमंत्रित करते हैं। गणेश उत्सव है और इस मौके पर आज यहाँ पर 6 साल से गणेश जी का स्थापना होता चला आ रहा है। इस साल आज हम लोग समिति के द्वारा भव्य रूप से इसको तैयार किया है। आज गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव हम लोग इसकी शुरुआत हुई है और अभी गणेश जी का हम लोग दर्शन किया है, आरती किया है, पूर्व पूजन किया है और गणेश जी का दर्शन सबके लिए खुल गया है। पूरे पटना सिटी वाटी पटना वासियों को निवेदन है कि आप लोग आए, इस शुभ दिन का आनंद लें और गणेश उत्सव में आके लीन हो जाए, गणेश पूजा में गणेश आराधना में लीन हो जाए। इतना सुंदर दर्शन है गणेश जी का, देखते बन रहा है। और कोई भी शुभ काम श्री गणेशाय के नमा बिना शुरू नहीं होता है, तो आज के दिन दर्शन करें और अपने काम को शुभ करें, श्री गणेश करें, यही आप मेरी आप लोग से मनोकामना है। और श्री गणेश की आराधना में आज शाम को सत्संग भी है और लगातार ये 5 दिन तक चलेगा, इसमें ऐसा आयोजन में आप लोग हिस्सा लें। गणेश उत्सव महोत्सव जो है ये चतुर्थी के दिन हम लोग मनाते हैं, ये पूरे भारत वर्ष में बनता है और खासकर साउथ में तो बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। गणेश जी हमारे परम आद्य देव हैं, मतलब पूजा जो है पहले गणेश जी से ही शुरू होती है और इनके बिना सब पूजा सब काम अधूरा है। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज,
जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स पटना सिटी चौक पटना।